ये आपको ये भी देखने में आ रहा है कि आप ज़्यादा यंग जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ जो एक या दो फिल्में कर चुके हैं उनके साथ आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, सीनियर्स की तरफ से कोई ऑफर आ रहे हैं आपको या फिर उनकी तरफ से कोई? मैंने मेरी पहली फिल्म सतीश कौशिक ने डायरेक्ट की थी, वो काफ़ी सीनियर डायरेक्टर है और बातें चल रही हैं एक और फिल्म के लिए और मैं चाहूँगा कि जल्द ही जल्द मैं उनके साथ एक दूसरी फिल्म भी शुरू करूँ। और ऑफर्स तो आते रहते हैं सीनियर डायरेक्टर्स के साथ भी, पर मैं चुन रहा हूँ और जो स्क्रिप्टें मुझे अच्छी लगती है मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ। बुरा नहीं है यंग डायरेक्टर्स के साथ भी काम करना, मैं ये कहना चाह रहा था कि कुछ दूसरे लेवल की स्टोरीज जो वो आपके लिए बुन सकें, क्योंकि यंग जनरेशन के लोग फिर भी एक तरह की मतलब एक रिपीटेशन होता है वही लव स्टोरीज फैमिली ड्रामा जो वही, तो उस तरह के मैं ऑफर्स की बात कर रहा था कि अभी तक आपने कोई एक्सेप्ट, मतलब कि आप ऑफ बीट फिल्मों की बात कर रहे हैं, अब तक तो कोई इतना बढ़िया प्रस्ताव आया नहीं मेरे सामने जिसमें जो मैं ऑफ बीट फिल्म कह रहा हूँ, पर मैं एक कमर्शियल फिल्म कर रहा हूँ जो एक आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है और वो टिपिकल मसाला फिल्म नहीं है पर बहुत ही लोगों को हंसाएगी वो फिल्म, और उस फिल्म का नाम है ये दिल मांगे मोर जो फरीदा जलाल प्रोड्यूस कर रही हैं, वो उनकी पहली प्रोडक्शन होगी और वो अगस्त में शुरू होने वाली है। और उसमें मेरा कैरेक्टर एक ऐसे लड़के का है जो गांव से शहर में आता है और कैसे उसकी मुलाकात तीन लड़कियों से होती है और वो बहुत ही वैक्ट आउट और बहुत ही फनी फिल्म है, तो मतलब वो एक थोड़ी हटके फिल्म होगी। मतलब तुषार को जो सबसे पहले जो चीज़ अच्छी लगती है वो स्क्रिप्ट, सबसे अहम चीज़ है स्क्रिप्ट और डायरेक्टर का नरेशन जो मुझे कन्विंस करता है कि हाँ ये स्क्रिप्ट को वो अच्छी तरह प्रेजेंट कर पाएगा, तो अगर मुझे वो कॉन्फिडेंस मिलता है तो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ।